नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसानी से बनने वाले डिजाइन को लेकर आई हूँ। ये डिजाइन हमारा सीधी ओर से शुरू होता है, 7 फंदों का डिजाइन है, 4 फंदे हम एक्स्ट्रा डालेंगे, एक एक फंदा हमारा किनारे का है। ये डिजाइन केवल 4 रो में जाकर कंप्लीट हो जाता है और बैक साइड से दिखने पर हमारा डिजाइन इस तरीके का बनकर आता है। इस डिजाइन का प्रयोग आप किसी भी प्रोजेक्ट पर करें, किसी तरह की ऊन पर करें, किसी तरह के रंग पर करें, बहुत सुंदर और खिल कर आता है। तो आइए हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। तो आइए अब हम वीडियो बनानी शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 4 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं, 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं और एक एक फंदा मेरा किनारे का है। सीधी साइड से ये हमारे डिजाइन की रो नंबर 1 है, पहला फंदा किनारे का। इसके बाद हमको सारे की सारी सिलाई सीधी बनानी है। ये फंदा हमारा किनारे का। सीधी साइड से हमने अपनी रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमें सारी की सारी उल्टी उल्टी ही बनानी है। अब हम सीधी साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 3 बना रहे हैं, पहला फंदा किनारे का और 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। पहले अपनी सिलाई पर जाली डाल लेंगे और इन 3 फंदों को कैसे बनाएंगे। 2 फंदे हमने उतार लिए, इस फंदे को हम सीधा एक फंदा बनाएंगे और इन दोनों फंदों को अपनी सिलाई के ऊपर पलट देंगे। एक जाली, 3 फंदों से एक फंदा बनाया, एक फंदा इधर बढ़ा लिया, एक फंदा हमने इधर बढ़ा लिया। यहां पर हमने 7 फंदों के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। 4 फंदे सीधे, 1 जाली, 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। इससे डिजाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, एक जाली, 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और इन दोनों फंदों को इसके ऊपर हम पलट लेंगे। एक जाली, एक बार हमने डिजाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। ये 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा, इनको हम सीधी साइड से सीधा ही बनाएंगे। 2, 3, 4, ये फंदा मेरा किनारे का। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 4 बना रहे हैं। रो नंबर 1 और रो नंबर 2, सॉरी रो नंबर 4, दोनों बिल्कुल सेम है। हमें सारी की सारी सिलाई सीधी ही बनानी है।
एक बार हमने अपने डिजाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसके ऊपर हम अपने डिजाइन की रो नंबर एक बनाएंगे। रो नंबर एक हमें सारी की सारी सीधी सीधी ही बनानी है। डिजाइन केवल इतना ही है और डिजाइन नजर भी आना शुरू हो गया है। इसी तरह बनाते हुए हम अपने डिजाइन को दोनों साइड से, किसी भी साइड से, इधर से भी बड़ा कर सकते हैं, इस ओर से भी बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।